हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्राइंग विद ईश्वरी। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे के लिए स्पेशल ड्राइंग, माता भारत माता का ड्राइंग। तो आप देखिए लास्ट तक, आपको ये ड्राइंग कैसा लगता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्राइंग मैंने बनाने का कोशिश किया है यहाँ पे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डोम्स के पेंसिल कलर्स, जो कि बहुत सस्ते हैं, सिर्फ 100 रुपीज़ में आते हैं। और आप भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी अवेलेबल है उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल से टेक्निक यूज़ की है, जैसे मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। सबसे पहले डार्कर पार्ट किया है, उसके बाद उसके अंदर फेंट शेड दे के फिर मैंने वाइट कलर से ब्लेंडिंग की। तो गाइज, आप सबको कैसा लग रहा है आज इंडिपेंडेंस डे इस बारे में? मुझे तो बचपन की यादें आती है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे के दिन हम कैसे एक्साइटेड होते थे स्कूल में जाने के लिए, बिल्कुल कपड़ों को आयरन वगैरह करके तैयार होते थे। और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट था जलेबी। आप में से कितने लोगों ने जलेबी खाई है इंडिपेंडेंस डे के दिन? और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे कि 15 अगस्त को रिपब्लिक डे बोलते थे और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे बोलते थे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं? और अभी भी कुछ लोग होंगे जो कि बच्चे होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी ये मिस्टेक करते होंगे। तो मैं भी करती थी, मुझे ये सोच के हंसी आती है। अब मैं कर रही हूँ बैकग्राउंड का कलरिंग। मैंने सोचा कि बैकग्राउंड को मैं वाटर कलर से कलर करूँ, बिकॉज वाटर कलर से अच्छा फिनिशिंग आता है, वरना ड्राइंग मैसी लगता है इसलिए। तो क्लीन दिखने के लिए मैं यहाँ पे वाटर कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। मैंने मतलब अपनी इमेजिनेशन से बैकग्राउंड किया है। तो गाइस, हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।